हाय दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल बाइक पॉइंट को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो चलो दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बता दूं कि आप कहीं भी आपकी बाइक का पंचर रिपेयर करवाने जाते हैं तो नए से नया ट्यूब MRF का जो कि 300 रुपये में आता है, वह ट्यूब भी खिले लगने के कारण ये कुछ इस तरह से फट जाता है। देखिए दोस्तों, ये पूरा ट्यूब चला गया है तो अब इसको नया ही डालने में भलाई है, यह आप समझते हो। तो नहीं दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह आप इसी ट्यूब को रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, यह ट्यूब MRF का और इस ट्यूब में अभी तक एक भी पंचर नहीं है, पूरा ही यह ट्यूब नया है। तो चलो चलते हैं हमारे वर्कर पंकज के पास। तो हम इसको अच्छी तरह से ग्राइंडर से जहाँ पर ट्यूब फटा है वहाँ पर इसकी घिसाई कर लेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने इसकी अच्छे से घिसाई कर ली है। अब ये घिसाई करने के बाद कुछ इस तरह हो जाएगा। देखिए, ये अच्छे से इसको रफ कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, इसको अच्छे से पूरे ट्यूब को सी देना है। देखो, कुछ इस तरह हो जाएगा ये सीने के बाद। उसके बाद जहाँ पर फटा है वहाँ पर हम ये सोल्यूशन लगाएंगे, जिसका नाम ओमनी का सोल्यूशन है। ये ओमनी का सॉल्यूशन लगाने के बाद इसको हम सूखने तक छोड़ देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर देखिए, ये ब्लैक रबड़ है जिसको कच्चा रबड़ के नाम से जानते हैं लोग, उसको यहाँ पर अच्छे से लगा देंगे हम। ये देखिए दोस्तों, जिस तरह मैं लगा रहा, मैंने इस रबड़ को अच्छी तरह से कवर कर दिया है। आप भी इसी तरह इस रबड़ को कवर कर दीजिए। अब दोस्तों, ये देखिए, ये एक हॉट मशीन है, इसके ऊपर हम इसको अच्छे से लगा देंगे और स्विच को चालू करके इसको अच्छे से यहाँ पर कस देंगे। अब थोड़ी देर रुकते हैं दोस्तों इसको गर्म होने तक। तो दोस्तों, अब हम 15 मिनट बाद इसको खोल लेते हैं, देखिए अब ये पका है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, यह बिल्कुल अच्छा से पक चुका है। ये देखिए, अब इसको हवा भर के हम चेक करते हैं ताकि पता लगे कि यह गाड़ी में चलता है या नहीं। ऊपर कीजिए तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल यह रब बिल्कुल पक चुका है। अब इसको गाड़ी में चलने से कोई नहीं रोक।